वर्णन पुस्तक रु 8 अध्याय 11 पद संख्या 11 रु 12 एवं 14 रु 17 एवं 24 रु 25 मोसेस विरक्त हेले। मोसेस प्रभु को कहिले, तुम्हारा दास सह ए प्रकार कठिन आचरण काहे कि तुम्हें करियछ? मो तुम दृष्टि रे काहे कि प्रीति प्राप्त होई नाही? तुम्हें एही जनतार दायित्व मो उपरे काहे कि न्यस्त करियछ? मु कौन ए सकल जनता को गर्भधारण करी कौन से जन्म दे अच्छी जे से पितृपुरुष मान प्रदान करने तुम द्वारा शपथ प्रतिज्ञानुबद्ध देश को जड़े स्तन्य दात्री माता स्तन्य पाई शिशु को जेपरी बहन कैरे से तुम्हें से तुम बक्ष बेस बहन कर नहीं जाओ बोली तुम्हें मत कह ए समस्त जनता को एकाकी होई बहन करबा को मु असमर्थ कारण एही दायित्व मोर क्षमतातीत अटे। तुम्हें जदि मो प्रति ए प्रकार आचरण कर तेबे सदय होई मते शीघ्र निधन कर ताहेले मु एही दुखर दर्शन लाभ करिबि नाही। प्रभु सेमानको कहिले जेउ मानको तुम्हें जनता मध्यरे वयोज्येष्ठ तथा प्रमुख व्यक्तिगण सदस्य जान जनतार से ही वयोज्येष्ठ मानक मध्यरु तुम्हें 70 जन व्यक्ति को समवेत कर समागम शिविर समीप को नहीं आस से सेठारे तुम ग्रहण से दंडायमान हूँ मु अवतीर्ण हो तुमसह वार्तालाप करी तुम्हारे विराजमान आत्मिक चैतन्य किसी अंश नहीं मुझे ढाईदेवी जनतार दायित्व भारत तुम ग्रहण से सेमाने बहन करिबे तेबे ताहा एकाकी होय बहन करिबा तुम प्रति आवश्यक हेबो नाही। तत्परे मोसेस जाय प्रभुंकर वचन जनता निकटरे विदित कराए ओ जन वयोज्येष्ठ मानक मध्यरु 70 जन व्यक्ति को समवेत कराए शिविर चतुर्पार्श्वरे ठिया कराए। प्रभु मेघ वाहन रे अवतरी आसी मोसेसंक सह वार्तालाप कले सेमानंकठारे उपस्थित आत्मिक चैतन्यर किछि अंश नै से 70 वयोज्येष्ठ मानव उपर से ढाली देले दिव्यात्मा सेमानंक उपर विराजमान हेबा परे सेमाने प्रवचन वाणी सुनाइले किंतु आउ केबे हे सेमाने प्रवचन देले नाही। एहा प्रभुंकर वाक्य।